दोस्तों, एक बहुत पुराना गाना है, लेकिन आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। उसके बोल थे, सैया दिल में आना रे, आके फिर ना जाना रे। ये गाना गाने वाली महिला थी हिंदी सिनेमा की पहली प्लेबैक सिंगर शमशाद बेगम। पहले एक्टर्स अपने गाने खुद गाते थे और कैमरे के सामने ही गाते थे। शमशाद बेगम वो पहली गायिका थी जिन्होंने दूसरी एक्ट्रेस को अपनी आवाज दी। करीब 4000 गीत गाने वाली शमशाद बेगम का वो रुतबा था कि शुरुआती दिनों में लता मंगेशकर और आशा भोसले से भी इन्हीं की तरह गाने को कहा जाता था। ये अपने जमाने की सबसे महंगी गायिका थी। उन दिनों जब एक गाने के लिए सिंगर्स को 50 से 100 रुपये के बीच मिलते थे, उस दौर में शमशाद बेगम एक गाने के 1000 रुपये लेती थी। कई फिल्म मेकर्स तो उन्हें अपनी फिल्मों के लिए अफोर्ड तक भी नहीं कर पाते थे। शमशाद बेगम एक कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती थी। जब पिता को पता चला कि उन्हें किसी कंपोजर ने गाना गाने का ऑफर दिया है, तो उन्होंने इनके सामने शर्त रख दी कि गाना बुर्का पहनकर ही गाना होगा। जहां गाएगी वहां कोई कैमरा ना हो, ताकि कोई उनकी फोटो ना खींच सके। कारण है कि शमशाद बेगम की जवानी के दिनों की कोई फोटो कहीं उपलब्ध ही नहीं है, क्योंकि ना उनके गाते हुए फोटो है ना किसी सेलिब्रिटी के साथ। शमशाद ने ताउम्र पिता की इन शर्तों के साथ काम किया और अपना एक मुकाम हासिल किया। मजे की बात यह है कि इतने रूढ़िवादी परिवार से होने के बावजूद शमशाद अपनी शर्तों पर जीने का हुनर जानती थी। पूरा परिवार इनकी शादी किसी मुस्लिम परिवार में करने की तैयारी कर रहा था, मगर इन्होंने उस हिंदू लड़के से शादी की जिसे वे चाहती थी। फिल्मी दुनिया में गंदगी बढ़ी तो उन्होंने 1965 में गायकी छोड़ दी। 14 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड के ठीक अगले दिन दंगों का माहौल था, लोग मर रहे थे। इसी समय लाहौर के एक पंजाबी मुस्लिम परिवार में बेटी ने जन्म लिया। नाम रखा गया शमशाद बेगम। परिवार बेहद कंजर्वेटिव था, जहां शमशाद की परवरिश 8 भाई बहनों के साथ हुई। पिता मियां हुसैन बख्श एक मामूली मैकेनिक थे और मां एक धार्मिक घरेलू महिला थी। जैसे ही शमशाद का दाखिला स्कूल में करवाया गया, तो उनकी गुनगुनाती आवाज स्कूल के प्रिंसिपल को भा गई। 5 साल की शमशाद को स्कूल प्रेयर में हेड सिंगर की जगह मिली। 10 साल की उम्र में उन्हें स्कूल के कल्चरल प्रोग्राम और शादियों में लोकगीत गाने का मौका मिलने लगा। सुरीली आवाज और सुरों की ऐसी धनी थी कि बिना किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के भी इन्हें सुनने वालों की भीड़ लग जाया करती थी। 1 साल तक लोगों की तालियों के बीच गाती बेटी पिता को खटकने लगी। पिता इनके सिंगिंग करियर के सख्त खिलाफ हो गए, लेकिन उन्होंने गाना जारी रखा। शमशाद के चाचा आमिर खान गजलों और संगीत के बड़े दीवाने थे। वो जानते थे कि शमशाद के पास जो टैलेंट है वो आम बात नहीं है। उनके चाचा आमिर एक दिन घरवालों की नज़र से छिपाते हुए उन्हें जोनोफोन म्यूजिक कंपनी ले गए, जहां उस समय ऑडिशन चल रहे थे। ये शमशाद का पहला ऑडिशन था। उन्होंने इसके लिए बहादुर शाह जफर की गज़ल मेरा यार मुझे मिले अगर गाना शुरू किया। सुनने वालों में उस जमाने के मशहूर म्यूजिक कंपोजर मास्टर गुलाम हैदर मौजूद थे। आवाज़ सुनते ही गुलाम हैदर ने उन्हें 12 गानों का कॉन्ट्रैक्ट थमा दिया। बात खुशी और जश्न की थी, लेकिन परिवार के लिए ये उनके सम्मान पर एक चोट थी। जब शमशाद को गाने मिले तो चाचा बहुत खुश हुए, लेकिन जैसे ही ये बात पिता मियाँ बख्श के कानों में पड़ी तो घर में हंगामा हो गया। पिता ने साफ इनकार कर दिया कि घर की लड़कियां बाहर जाकर गाने नहीं गाएंगी। चाचा आमिर खान ने पिता को समझाया कि लड़की की आवाज़ गॉड गिफ्टेड है, इसे बर्बाद मत करो। बात बन गई, लेकिन एक मुश्किल शर्त के साथ। शर्त थी कि शमशाद को बुर्का पहनकर ही गाना रिकॉर्ड करना होगा, किसी फंक्शन या पार्टी में शामिल नहीं होगी जिससे कोई उसकी शक्ल ना देखे। तस्वीरें क्लिक करवाने की भी पाबंदी थी, जिससे अखबारों में उसे कोई बुर्के के साथ भी ना देखे। ये बात खुद शमशाद ने राइटर गजेंद्र खन्ना से बातचीत में साझा की थी। गुलाम हैदर के लिए हर गाना रिकॉर्ड करने पर शमशाद को 15 रुपये मिलते थे। ऐसे में उन्हें 12 गानों के लिए 180 रुपये मिले। ये 1932 में
ये एक बड़ी रकम थी। शमशाद ने इतनी खूबसूरती से गाने रिकॉर्ड किए कि उन्हें इनाम में ही 5,000 रुपये मिले। जोनोफोन म्यूजिक कंपनी ज़्यादातर अपने गानों को हाई सोसाइटी के लोगों तक पहुंचाती थी, ऐसे में शमशाद को एलीट वर्ग के लोगों के बीच खूब पॉपुलैरिटी मिल गई। गाने के सिलसिले में शमशाद का बाहर आना जाना लगा रहता था। आस पड़ोस के लोग भी उनके गाने सुनते थे। इनके पड़ोस में रहने वाला गणपत लाल बट्टो भी इनका प्रशंसक था। एक दिन दोनों की बात शुरू हुई, फिर दोस्ती हो गई, बातचीत का सिलसिला बढ़ा और फिर मोहब्बत हो गई। ये जानते हुए भी कि परिवार इसके लिए राजी नहीं होगा, शमशाद ने हिंदू गणपत से शादी करने का फैसला कर लिया। देश में पहले ही हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे थे। सिर्फ धर्म ही नहीं बल्कि दोनों की उम्र में भी बड़ा फासला था। शमशाद महज 13 साल की थी और गणपत लॉ की पढ़ाई करने वाला एक नौजवान। ये वो दौर था जब 13-15 साल की लड़कियों की शादी करना आम बात थी। घर वालों ने शमशाद के लिए एक लड़का पसंद कर लिया और दोनों की शादी तय कर दी। कहीं और शादी करना शमशाद के लिए मुमकिन नहीं था, ऐसे में उन्होंने घर वालों के खिलाफ जाकर 15 साल की उम्र में 1934 में गणपत से शादी कर ली। परिवार वाले खूब नाराज हुए, लेकिन शमशाद अपनी मर्जी से जिंदगी जीना चाहती थी। शादी के बाद दोनों ने अपने धर्मों के साथ ही जिंदगी जी। कुछ समय बाद शमशाद ने बेटी उषा को जन्म दिया। 1937 में शमशाद को लाहौर और पेशावर के ऑल इंडिया रेडियो में गाने का मौका मिला। हर घर तक इनकी सुरीली आवाज़ पहुंची और शमशाद फेमस होने लगी। फिल्म प्रोड्यूसर 30 के दशक के आखिर में शमशाद को अपनी फिल्म में हीरोइन बनाना चाहते थे। शमशाद को हीरोइन बनने के ऑफर से बेहद खुशी मिली, लेकिन फिर पिता इसके आड़े आ गए। पिता खूब नाराज हुए, घर में फिर हंगामे शुरू हो गए। जब शमशाद अड़ गई तो पिता ने धमकी दी कि अगर फिल्मों में गई तो उन्हें गाने की इजाज़त भी नहीं दी जाएगी। पिता ने वादा याद दिलाया कि वो कभी कैमरे के सामने नहीं आएंगी। आखिरकार शमशाद को पांव पीछे खींचने पड़े। यही कारण रहा कि 1933 से 1970 के बीच शमशाद ने कोई तस्वीर क्लिक नहीं करवाई। उन्होंने पिता की सत पर बुर्का पहनकर ही रेडियो के लिए गाना जारी रखा। रेडियो पर इनके गाने इतने पसंद किए जाने लगे कि इनके गानों को फिल्मों में इस्तेमाल किया जाने लगा। 40 के दशक में रेडियो पर शमशाद के गाने सुनकर प्रोड्यूसर महबूब खान इतना इम्प्रेस हुए कि इन्हें मुंबई लाने की ठान ली। जब उनसे मिलने लाहौर पहुंचे तो पहला सामना पति से हुआ। महबूब खान ने शमशाद के पति गणपत से कहा कि अगर शमशाद मुंबई आने के लिए मान जाती है तो वो उन्हें वहां आलीशान फ्लैट, कार, आने जाने की सुविधा और हर जरूरी सामान देंगे। इतना ही नहीं, अगर कुछ लोग उनके साथ आना चाहे तो उनका खर्च भी वो खुद उठाएंगे। पति तो राजी हो गए, लेकिन पिता फिर अड़ गए। महबूब ने कहा, कब तक बेटी को कुएं का मेंढक बनाकर रखेंगे, इसे समुद्र में छोड़िए। जब शमशाद ने भी जिद पकड़ ली तो पहली बार पिता को झुकना पड़ा। शमशाद के गाने खजांची, खानदान जैसी फिल्मों में इस्तेमाल हुए। खजांची में उन्होंने 8 गानों को आवाज़ दी थी। चीनी विचपा के छल्ला, मेरा हाल विख के, कान का दिया फासला इनके सबसे ज़्यादा पसंद किए गए शुरुआती गाने थे। 40 के दशक की बात है, सुरैया और मुबारक बेगम हिंदी सिनेमा में स्थापित गायिका थी। वहीं लता मंगेशकर और आशा भोसले अपना नाम बनाने की कोशिश में थी। शमशाद इतनी आला दर्जे की सिंगर बनकर उभरी कि दोनों से कहा जाता था कि इन्हीं की तरह गाओ। ये रिक्वेस्ट दोनों ने कई मौक़ों पर पूरी भी की है। गाना आएगा 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 आने वाला लता मंगेशकर ने इन्हीं की स्टाइल में गाया है। आशा भोसले द्वारा 1948 की फिल्म मुकद्दर का गाना आती है याद हमको शमशाद बेगम की स्टाइल में गाया गया था। कहा तो ये भी जाता है कि शमशाद बेगम के ब्रेक लेने के बाद ही लता मंगेशकर टॉप सिंगर बन सकी। इनका गाना कजरा मोहब्बत वाला आज भी लोगों की जुबां पर रहता है। 1940-50 तक इन्होंने सी रामचंद्र, नौशाद और ओपी नैयर के साथ कई गाने दिए। तलत महमूद, के एल सहगल, मोहम्मद रफ़ी के साथ भी इन्होंने ड्यूएट गानों में आवाज़ देने का मौका मिला।
एसडी बर्मन स्ट्रगल के दिनों में ही शमशाद से मिल चुके थे। जब इन्हें पहली बड़ी फिल्म बहार में म्यूजिक कंपोज करने का मौका मिला तो वो सीधे शमशाद के ही पास पहुंचे। वे इतनी जमीनी शख्सियत थी कि एसडी बर्मन के नए होने के बावजूद उन्होंने निसंकोच गाने के लिए हामी भर दी। एसडी बर्मन के कंपोजिशन और शमशाद की आवाज से मिलकर गाना बना सैया दिल में आना रे, आके फिर ना जाना रे। इस गाने की पॉपुलैरिटी किसी से छुपी नहीं है। फिल्मिस्तान स्टूडियो में गाना गाते हुए एक बार शमशाद की मुलाकात किशोर कुमार से हुई। उस समय सब उन्हें अशोक कुमार के भाई के नाम से जानते थे। ढीले ढाले कपड़े पहने किशोर ने जब गाना गाया तो इन्होंने बुलाकर कहा था, एक दिन तुम अपने भाई को भी पीछे छोड़ दोगे। और हुआ भी यही। शमशाद ऑल इंडिया रेडियो लाहौर की जानी मानी सिंगर थी। उस समय नौशाद वहीं पर ऑफिस बॉय थे, सिंगर्स का ख्याल रखते थे। हालांकि वो खुद भी संगीत के बड़े जानकार थे और पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। कुछ समय बाद नौशाद भी संगीतकार बन गए। जब नौशाद को फिल्म मंगू में एक गाना कंपोज करने का मौका मिला तो वो सीधे शमशाद के पास पहुंच गए और उनसे गाने की गुजारिश की। पहचान पुरानी थी तो शमशाद मान गई। फिल्म के गाने मोहब्बत दिल के बस इतने से अफसाने और जरा प्यार कर ले बाबू जबरदस्त थे। 1944 से 1955 तक शमशाद सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली प्लेबैक सिंगर थी। राज कपूर फिल्म आग में शमशाद बेगम से गवाना चाहते थे, लेकिन शमशाद की फीस ज़्यादा थी तो वो उन्हें अफोर्ड नहीं कर सके। शमशाद और पृथ्वीराज कपूर अच्छे दोस्त थे तो शमशाद कम फीस में ही राजी हो गई थी। 1955 में शमशाद के पति गणपत लाल बट्टो एक रोड एक्सीडेंट में चल बसे। पति की मौत से शमशाद ऐसी टूट गई कि उन्होंने हमेशा के लिए गाना छोड़ दिया। ये वही थे जिन्होंने इनका हर कदम पर साथ दिया था। शमशाद एक बड़ी हस्ती थी, लेकिन उनकी पहली प्रायोरिटी उनका परिवार ही था। बुरी तरह टूट चुकी शमशाद ने ज़्यादातर लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया और पूरा ध्यान बेटी की परवरिश में लगाया। गाने के जो भी ऑफर घर आते थे शमशाद उन्हें ठुकरा देती थी। नतीजा ये रहा कि इनके ठुकराए गाने लता मंगेशकर के पास जाने लगे, जिससे उन्हें स्टार सिंगर्स में जगह मिली थी। एक साल तक शमशाद दुनिया की नज़रों से दूर रही, लेकिन जब महबूब खान को खुली आवाज़ वाली सबसे बेहतरीन फीमेल सिंगर की ज़रूरत पड़ी तो वो बिना कुछ सोचे सीधे उनके पास ही पहुँचे थे। 1957 की फिल्म मदर इंडिया के लिए महबूब को नरगिस पर जमने वाली आवाज़ चाहिए थी। शमशाद ने खूब इनकार किया, लेकिन जीत महबूब को मिली। जब शमशाद ने करीब 1.5 साल बाद सफ़ेद साड़ी में पहुंचकर गाना पी के घर आज प्यारी दुल्हनिया चली गाना रिकॉर्ड किया तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मौजूद हर शख्स की आंखें नम थी। इस पर शमशाद ने कहा था, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, रोने के लिए तो सारा दिन सारी रात पड़ी है। इस फिल्म के गाने दुख भरे दिन बीते रे भैया, होली आई रे, पी के घर आज प्यारी दुल्हनिया चली बड़े हिट साबित हुए। उन्होंने अपने सिंगिंग कैरियर में करीब 6000 गाने गाए। फिल्म मुगले आजम में गाया हुआ इनका गाना तेरी महफिल में भी खूब पॉपुलर हुआ था। अपने आखिरी इंटरव्यू में शमशाद ने कहा था, मैंने कभी किसी से काम नहीं मांगा। जब मैंने न्यू कमर्स की मदद की तो मैं नहीं कहती थी कि मुझे ही अपने हर गाने देना। मेरा यकीन है कि गाने सिर्फ भगवान देता है, कंपोजर्स नहीं। हर कोई अपनी तकदीर लेकर पैदा हुआ है। 1965 में शमशाद ने हमेशा के लिए फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। ऑफिशियली रिटायर होने के बावजूद कई कंपोजर इनके घर पहुंच जाया करते थे। ये मुंबई के सबसे पास इलाके में बेटी उषा और दामाद लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश रत्र के साथ रहती थी। सालों बाद जब फिल्म फेयर मैगजीन ने इनसे फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का कारण पूछा तो जवाब मिला था, इंडस्ट्री में बहुत गंद हो गई थी। 1998 में खबर आई कि सिंगर शमशाद बेगम गुजर गई। इसके बाद सबसे ज़्यादा इनका नाम तब शामिल हुआ जब 2004 में खबर आई कि जिसे 1998 में लोगों ने मरा हुआ मान लिया था वो शमशाद अभी जिंदा है।
पहले जिस शमशाद बेगम का इंतकाल हुआ था वो सायरा बानो की दादी थी। शमशाद इतने एकांत में रहा करती थी कि इनकी असल खबर मिल पाना भी मुश्किल थी। हुआ भी यही जब 2013 में इनका असल में निधन हुआ तो कम लोगों की मौजूदगी में ही इनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इनकी मौत पर तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था, उन्होंने अपनी मोहक आवाज़ से सभी संगीत प्रेमियों का दिल जीता है। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट और योग्यताओं वाली आर्टिस्ट थी। जो गाने वो पीछे छोड़े जा रही है वो सालों साल याद रखे जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।